नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि फल जनवरी 2022 के बारे में। जनवरी 2022 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों की राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में। जैसे जनवरी के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, धन कुटुंब परिवार की स्थिति कैसी होगी, नौकरी व्यापार व्यवसाय या स्वयं के कार्य की क्या स्थिति होगी, शिक्षा संतान प्रेम विवाह की क्या स्थिति होगी, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी में आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जनवरी 2022 के महीने में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, दूसरा मंगल का राशि परिवर्तन होगा। यह फलादेश चंद्र कुंडली पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर अप्लाई करके जान सकते हैं कि जनवरी के महीने में आपको किस प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं, ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। जैसे कि हम ये कुंडली आप देख रहे हो, वृश्चिक राशि वालों की कुंडली है जो कि जनवरी महीने की कुंडली है। लगन में मंगल केतु का गोचर रहने वाला है, दूसरे भाव में धन भाव में सूर्य शुक्र मंगल का गोचर रहने वाला है और तीसरे भाव में शनि बुध सूर्य का गोचर रहने वाला है। अब यहां पर यदि हम बात करें तो धन भाव में सूर्य शुक्र और मंगल, यहां पर सूर्य जो है 14 जनवरी तक रहेगा और 14 जनवरी के बाद मकर राशि में सूर्य का गोचर होगा। अब मकर राशि में गोचर करेगा सूर्य, तो ऐसे में तृतीय भाव में काफी अच्छे परिणाम देते हैं। यहां पर यदि हम बात करें तो लगन भाव में मंगल का गोचर 16 जनवरी तक रहेगा और 16 जनवरी के बाद मंगल लगन भाव को छोड़ करके धन भाव में गोचर करेंगे और सूर्य धन भाव को छोड़ करके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो यहां पर यदि चौथे भाव में देखें तो गुरु का गोचर रहने वाला है, पंचम भाव खाली रहेगा, छठा भाव खाली रहेगा, सातवें भाव में राहु का गोचर रहेगा जो कि काफी दिनों से राहु का गोचर है यहाँ पर, आठवां भाव खाली रहेगा, नवम भाव खाली रहेगा, दसम भाव खाली रहेगा, एकादश भाव भी खाली रहेगा और बारहवां भाव भी खाली रहने वाला है। तो जनवरी महीने में ग्रहों की जो स्थिति रहेगी वो मुख्य जो है तीन भाव में ही रहेगी, लगन भाव और द्वितीय भाव और तृतीय भाव, और चौथे भाव में गुरु की स्थिति रहेगी और सप्तम भाव में राहु की स्थिति रहेगी। अब लग्नेश की यदि हम बात करें, राशि के स्वामी की बात करें, तो वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल और मंगल का स्वयं की राशि में गोचर होगा और ये कब तक होगा, ये 16 जनवरी तक जो है गोचर रहने वाला है स्वयं की राशि में। तो मंगल यहाँ पर रोचक नामक राजयोग बनाएंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साहस बना रहेगा, यश मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे, राजनीति में सफलता दिलाने का काम करेंगे, जनता का सपोर्ट रहने वाला है और काफी कुछ क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो जनवरी महीने में आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने वाला है। अब लगन भाव में गोचर करेंगे तो लगन भाव से चौथी दृष्टि आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन के घर में डालेंगे, तो कहीं ना कहीं भूमि भवन मकान और वाहन के योग बना देंगे। यदि हम बात करें सप्तम दृष्टि की तो सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर डालेंगे, तो वैवाहिक जीवन पर राहु विराजमान है और मंगल की यहाँ पर दृष्टि होगी तो ये अच्छी नहीं मानी जाएगी। वैवाहिक जीवन में आपको सावधानी रखने की जरूरत है, कंप्रोमाइज करके चलना है, लेकिन व्यापार की काफी अच्छी स्थिति रहेगी। अष्टम दृष्टि मंगल की अष्टम भाव में रहने वाली है, तो यहाँ पर भी सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि मंगल की यहाँ पर दृष्टि रहेगी तो कुछ मायनों में नुकसान कराने का काम करेंगे, छोटे मोटे चोट चपेट आपको लग सकते हैं, वाहन चलाते समय सावधानी रखने की भी यहाँ पर जरूरत रहने वाली है। बात करें कि मंगल का जब गोचर यहाँ पर परिवर्तन होगा 16 जनवरी को, मंगल आपके धन भाव में गोचर करेंगे तो धन की स्थितियों को ठीक करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे क्योंकि मंगल लगन के मालिक है और छठे भाव के मालिक है, छठे भाव के मालिक जो है लगन भाव में विराजमान होंगे तो ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, रोगों को समाप्त करने का काम करेंगे। अब जब ऋण के मालिक छठे भाव के मालिक मंगल धन भाव में बैठेंगे तो धन उगाहने का काम करेंगे, रिकवरी का काम करेंगे, तो यहाँ पर मंगल की काफी अच्छी स्थिति रहने वाली है। फंसा हुआ जो आपका धन है वो रिकवरी में आएगा, वो निकल करके आएगा, तो यहाँ पर आपको धन लाभ होगा।
मंगल लगन के भी मालिक और धन भाव में गोचर कर रहे हैं, ये काफी अच्छा योग बन जाता है कि यहाँ पर जो है आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों की युति द्वितीय भाव में अच्छी नहीं मानी जाती है, यहाँ पर विवादमय स्थिति बन जाती है, वाणी उग्र हो जाती है, कठोर वाणी निकलने लगती है और कुटुंब परिवार में मतभेद की स्थिति बन जाती है। व्यक्ति के पास धन तो रहता है लेकिन कई बार ईगो अहंकार बढ़ जाता है और कठोर वाणी निकालने लगता है जिससे शत्रु पैदा होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वाणी पर विशेष संयम रखने की जरूरत रहेगी आपको, धन का आपको लाभ बना रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंगल यहाँ पर बैठ करके चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 पंचम भाव में डालेंगे, शिक्षा संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम यहाँ पर मंगल महाराज करेंगे। वही सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में डालेंगे तो ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुर बनने का योग बनेगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। इसके बाद अष्टम दृष्टि भाग्य भाव में रहेगी मंगल की, तो मंगल भाग्य में वृद्धि करने के काम करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा और धन के लिए आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो मंगल की स्थितियां कुछ मायनों में काफी अच्छी रहने वाली है। बात करें हम दूसरे भाव के मालिक के बारे में, यहाँ के जो मालिक हैं वो गुरु हैं और गुरु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु जो है एक तो धन भाव के मालिक है, एक तो शिक्षा संतान और प्रेम विवाह के मालिक और सुख भाव में गोचर कर रहे हैं केंद्र भाव में, ये काफी अच्छी स्थिति बन जाती है। धन के लिए काफी अच्छी स्थिति है, धन में आपको वृद्धि के योग बनेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान से जुड़े हुए आप लाभ ले सकते हो, वही शिक्षा संतान और प्रेम विवाह में भी आपको जबरदस्त लाभ मिलेंगे। गुरु यहाँ पर विराजमान होकर के पंचम दृष्टि अष्टम भाव में डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव में डालेंगे तो गूढ़ रहस्यों का ज्ञान आपको होगा, गूढ़ रहस्यों के ज्ञान के लिए आप तत्पर रहेंगे प्राप्त करने के लिए, वही जो है धन लाभ भी कराएंगे, ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुरता लाने का भी यहाँ पर गुरु काम करेंगे। सप्तम दृष्टि जो गुरु की रहेगी वो रहेगी कैरियर के क्षेत्र में, तो कैरियर के क्षेत्र में कैरियर को मजबूत करने का काम यहाँ पर गुरु महाराज करेंगे, आपको जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे। व्यापार व्यवसाय नौकरी या आप स्वयं के कार्य करते हैं तो जबरदस्त यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। गुरु आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे ही करेंगे, यहाँ पर आपके कैरियर को भी मजबूत करने का काम करेंगे। नवम दृष्टि जो है गुरु की 12वें भाव में रहेगी तो विदेश से जुड़े हुए आप काम कर सकते हैं, भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि हो सकती है, धन तो खर्च होगा लेकिन आपको भौतिक सुख भी प्राप्त होंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या आप विदेश जाकर के भ्रमण करके भी आ सकते हैं, तो गुरु की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। बात करें तृतीय भाव के मालिक के बारे में, तृतीय भाव के जो मालिक हैं वो शनि है, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर की राशि मकर है और मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि का गोचर तृतीय भाव में ही हो रहा है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। शनि यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं, यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं और यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। यशमान सम्मान के लिए काफी अच्छा है, वही जो आपके विलंबता से काम चल रहे थे थोड़ा सा तीव्र गति से काम होंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य सपोर्ट करेगा, शिक्षा संतान प्रेम विवाह में सफलता के योग बन जाएंगे, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर विराजमान होकर के नेटवर्किंग से संबंधित मार्केटिंग फाइनेंस इंश्योरेंस से संबंधित जो है जबरदस्त लाभ दे देते हैं और दूर संचार के माध्यम से भी आपको जबरदस्त लाभ देते हैं। यदि आप शनि के क्षेत्रों में काम करते हैं, शनि का कार्य यदि आप करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का काम हो, चाहे मशीनरी से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे वो आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ काम हो, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ काम हो, कई सारे काम होते हैं, लेबर कास्ट का काम हो, तो इन क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर शनि महाराज करने वाले हैं। तीसरी दृष्टि पंचम भाव में रहेगी, शिक्षा संतान प्रेम विवाह में जबरदस्त सफलता दिलाने का काम करेंगे। वही जो है सप्तम दृष्टि शनि महाराज की भाग्य भाव में रहेगी, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे और कोई भी कार्यों को थोड़ा सा स्पीड से काम करने का और सफलता दिलाने का यहाँ पर काम करने वाले। तो शनि दशम दृष्टि की यदि हम बात करें तो सप्तम अष्टम नवम दशम 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब यात्राओं के मालिक होकर के 12वें भाव को देखेंगे तो आप विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, भ्रमण करके आ सकते हैं, चाहे आप व्यापार के लिए जाएं, चाहे आप नौकरी के लिए जाएं, चाहे आप घूमने के लिए जाएं, तो यात्राओं के योग बन सकते हैं, विदेश में की यात्राएं आप कर सकते हैं। शनि का गोचर जो रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा, काफी अच्छे बेनिफिट आपको देंगे,
यह समान सम्मान दिलाने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम यहाँ पर शनि करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे क्योंकि चतुर्थ भाव के भी मालिक है। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन से जुड़े हुए आपको शनि महाराज लाभ देने वाले हैं, तो ये स्थितियां काफी अच्छी रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें तो गुरु की बात करें तो गुरु जो है, जो हमने आपको बताया कि गुरु जो है पंचम भाव के मालिक है, धन भाव के मालिक है, सुख भाव में वृद्धि कर रहे हैं तो काफी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। मंगल जो है आपके छठे भाव के मालिक है, लगन भाव के मालिक है, लगन में गोचर रहेगा, द्वितीय भाव में गोचर रहेगा, मंगल भी काफी अच्छे परिणाम देंगे। अब हम बात करें शुक्र के बारे में, शुक्र जो है सप्तम भाव के मालिक है और बारहवें भाव के मालिक है, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, धन के लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाली क्योंकि राहु का गोचर रहेगा, मंगल की यहाँ पर दृष्टि रहेगी, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन धन के लिए व्यापार के लिए काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर शुक्र महाराज की रहेगी। शुक्र का सप्तम दृष्टि जो है अष्टम भाव में रहेगा, तो ऐसे में जो है ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बनेंगे, ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है, तो ये स्थितियां शुक्र की रहने वाली है। बात करें बुध के बारे में, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक बुध हैं, लाभ भाव के मालिक बुध हैं और बुध का गोचर कहां पर हो रहा है, तृतीय भाव में हो रहा है, तो लाभ भाव का मालिक होकर के तृतीय भाव में गोचर करे तो काफी अच्छी स्थिति हो जाती है। जो बुध के क्षेत्रों में काम करते हैं उनको जबरदस्त लाभ हो सकता है, जैसे अकाउंट का काम यदि आप करते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको जबरदस्त लाभ मिल सकता है। यदि आप जो है बुध से जुड़े हुए, अकाउंट से जुड़े हुए कोई भी कार्य करते हैं तो यहाँ पर जो है काफी अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार की काफी अच्छी स्थिति रहेगी क्योंकि बुध का जो सप्तम दृष्टि रहेगा वो रहेगा भाग्य भाव में, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेगा और व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छी स्थिति बनाने का काम यहाँ पर बुध महाराज करेंगे, बुध का गोचर भी काफी अच्छा रहेगा। बात करें आपके कैरियर के बारे में, कैरियर के जो मालिक है वो है सूर्य, और सूर्य का जो गोचर रहेगा वो धन भाव में रहेगा, तृतीय भाव में रहेगा, तो धन भाव में जो गोचर रहेगा वो रहेगा 14 जनवरी तक, और 14 जनवरी को जो है मकर राशि में आ जाएंगे, तो 14 जनवरी तक धन के लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी, धन के लिए लाभ होगा और कैरियर आपका मजबूत रहेगा, धन के लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी। और जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य 14 जनवरी को जैसे तृतीय भाव में आएंगे तो यहाँ पर सूर्य का गोचर काफी अच्छा माना जाता है, सरकारी नौकरी के लिए काफी अच्छा योग बन जाएगा। वही यदि आप जो है सरकार से जुड़े हुए कार्य करते हैं, राजनीति में काम करते हैं तो जबरदस्त यहाँ पर लाभ देखा जाएगा। बल पराक्रम में वृद्धि के योग बनेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, जनता का सपोर्ट रहेगा, राजनीति के लिए जबरदस्त योग बन जाएंगे, नौकरी व्यापार और व्यवसाय में जबरदस्त सफलता के योग बन जाएंगे। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये योग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, नौकरी आपको मिल सकती है। सूर्य का जो गोचर रहेगा ये आपके फेवर में रहेगा और काफी अच्छे परिणाम सूर्य महाराज यहाँ पर देने वाले हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ये काफी अच्छी स्थिति है क्योंकि केंद्र के मालिक जो है, त्रिकोण के मालिक केंद्र भाव में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है, मंगल जो है रोचक नामक राजयोग भी बनाएंगे, शनि का गोचर सूर्य का गोचर तृतीय भाव में काफी अच्छा माना जाता है। वही यदि शुक्र का गोचर बोले तो शुक्र का गोचर भी बहुत अच्छा है, सूर्य की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है, गुरु का गोचर भी काफी अच्छा रहने वाला है, मतलब वृश्चिक राशि पर जनवरी का महीना काफी अच्छा रहने वाला है। कुछ जगह आपको सावधानी रखने की जरूरत है, विशेष तौर पर काफी अच्छा समय रहने वाला है और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर भी आपका ठीक ठाक रहने वाला है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद।